मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है एंड ब्लॉग्स बनाने का कोई इंटेंशन तो नहीं था, बट मुझे लगा कि मुझे एक ब्लॉग बनाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पे घूमने जाता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ नए नए प्लेसेस। तो मैंने सोचा यार क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए। तो कल रात को मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ब्लॉग बनाऊंगा एंड कल रात को ही मैंने एक चैनल क्रिएट करा है जिसका नाम है डी नेगी ब्लॉग्स। सो उस पर आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स लेके आऊँगा। डेफिनेटली आपको मेरे सारे ब्लॉग्स पसंद आएंगे क्योंकि मैं जो है ऐसे ऐसी जगह पे जाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे जगह पे ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ जो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज, बेसिकली मेरा नाम डी नेगी है और मैं उत्तराखंड देहरादून से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मैं गोवा में सेटल डाउन हूँ। तो मेरे जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ऑलमोस्ट सारे गोवा से ही आएंगे एंड गोवा तो आपको पता ही है, एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, बीचेस है, वाटरफॉल्स है, कसिनोज हैं, बहुत सारी जगह है गाइस। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ मेरी फेवरेट सिटी पैंजिम। पैंजिम एक गोवा की सिटी है एंड गोवा का कैपिटल है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है क्योंकि वहाँ पे उसका जो व्यू है ना बहुत सही है। वहाँ पे रिवर है, कसिनोज हैं, वहाँ पे जो है आपको बीच मिलता है। तो वहाँ पे मैं आज आपको लेके चलने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं। सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ कोकेरो सर्कल पे और हमें यहाँ पे कुछ बिरयानी का ऑर्डर देना था तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं एंड आप देख सकते हैं ये बावर्ची बिरयानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है गोवा में। तो ये है चिकन शोरमा जो आपको दिखाई दे रहा है, वो सारा चिकन आप उन्होंने बना रखा है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है ये भी। सो फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं पैंजिम सिटी में और जो बीच है सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। राइट साइड में आप देख सकते हैं दो बड़े बड़े पानी के जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, वो कसिनो हैं एंड वहाँ पे चलती है गैम्बलिंग। कोई जीतता है, कोई हारता है, सब लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, अभी मैं पहुंच चुका हूं पैंजिम सिटी जो कि अभी है मीरामार में। तो यहां का गाइस आप व्यू देख सकते हो पीछे का, तो है ये है मीरामार बीच और काफ़ी मुझे काफ़ी पसंद है ये बीच क्योंकि एकदम क्लीन बीच है। जा रहे बीच पे, जा नहीं रहे, पहुंच चुके हैं बीच पे और आप देख सकते हैं पीछे बीच की हालत थोड़ी खराब हो चुकी है क्योंकि ये सारा जो आप देख रहे हो ना नीचे, ये लकड़ी वगैरह ये सारी जो है समंदर से बाहर निकल आ चुकी है अभी। तो इसकी वजह से सारा समंदर का कचरा अभी बाहर निकल रहा है। तो सो गाइज, अभी हूँ मैं मीरामार बीच पे और आप देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू और बारिश लग चुकी है, सच में बहुत ज़्यादा भीग गया हूँ मैं, बट मज़ा आ रहा है। ये देख सकते हो मेरे पीछे जो समंदर है उसकी लहरें एकदम तेज़ हो रखी है, मतलब बहुत ज़ोर से आ रही है एंड आई होप कि आपको सुनाई दे रहा होगा क्योंकि माइक तो नहीं लगाया मैंने क्योंकि माइक भीग जाएगा।
सो अभी हम बीच से वापस आ चुके हैं और ये है मीरामार सर्कल। एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़ोर से यहाँ पे बारिश हो रही है। सो लेट्स गो बैक। मैं पहुँच चुका हूँ बावर्ची बिरयानी पे। यहाँ से मुझे अपना एक पार्सल कलेक्ट करना है, जो बिरयानी हमने ऑर्डर करी थी उसको अभी कलेक्ट करना है और उसके बाद चलते हैं। सो अभी हमारी बिरयानी जो रेडी हो चुकी है उसको देखते हैं थोड़ा। यही है ना अपनी बिरयानी? तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा एंड ऐसे ही ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ में लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें।